जी मैम साहब। ये यहाँ से मक्खन तूने हटाया? हाँ। अरे मैम साहब, आप हमारी स्मार्ट मनिया हो। पूजा की थाल से मक्खन को हटा के क्या हमें नौकरी से हटना है क्या? मक्खन यही था चारों तरफ देख के। हाँ तो क्या फिर बाल गोपाल खा गया मक्खन को चारों तरफ देख के? अरे वाह, साधना तो सचमुच स्मार्ट वुमन ही है। साधना सही कह रही है, मक्खन तो बाल गोपाल नहीं खाया है। देखो ये मक्खन है तो मेरे लिए था, और अगर मैंने खा लिया तो फिर परेशान हो रही है। चल जा यहाँ से। हेलो, सेल्फ टू बी स्पीकिंग, साधना शर्मा, मिसेस प्रेसिडेंट। अरे मिसेस शर्मा जी जी। हाँ नहीं, हमें नहीं पता क्या। हाँ तो हमें क्या है। हाँ हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। मिसेस सक्सेना का हैप्पी वाला बर्थडे था और मिस्टर सक्सेना ने सरप्राइज पार्टी दी थी, तो क्या हुआ? मेरा भी तो हैप्पी वाला बर्थडे आने वाला है ना, तो मिस्टर शर्मा भी देंगे मुझे सरप्राइज वाली पार्टी। फंस गया गोपाल फिर से झमेले में, बेचारा गोपाल। अगर मैं गोपाल को ये बता दूं कि साधना के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं, फिर साधना के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, पहले देखता हूँ ये क्या करती है। सुबह हुई नहीं और तुम्हारी मस्ती शुरू हो गई। मुझे प्राणायाम करने दो। गोपाल सुबह हुई नहीं और तुम्हारा भाषण शुरू हो गया, मुझे मस्ती करने दो। गोकुल में तुम गोपियों को चैन से नहीं रहने देते थे, यहाँ तुम मुझे चैन से नहीं रहने देते। चैन से तो तुम्हें साधना नहीं रहने देगी। अरे सुबह सुबह डरा क्यों रहे हो यार? जाएगी तो तुम्हें साधना। क्यों, कोई बात हुई है क्या? गोपाल मुझे जिस समय जितना बोलना होता है ना, बस मैं उतना ही बोलता हूँ। हाँ लेकिन जितनी मस्ती करनी होती है उसे 10 गुना ज्यादा मस्ती करते हो तुम। शर्मा जी, शर्मा जी प्राणायाम हो गया हो तो नाश्ता कर लीजिए। साधा सब ठीक ठाक तो है ना? मेरा मतलब तुम्हारी तबीयत वगैरह सब ठीक? हाँ मुझे क्या होगा, व्हाट टू बी हैपनिंग टू मी? नहीं मेरा मतलब कि सुबह सुबह बहुत मीठी बोली बोल रही हो ना तुम, तो इसलिए सोचा कि पूछ लूं। शर्मा जी आप भी ना वो क्या है कि मिसेस वर्मा का फोन आया था, कह रही थी कि 2 दिन पहले मिसेस सक्सेना का हैप्पी वाला बर्थडे था, तो मिस्टर सक्सेना ने उनके लिए सरप्राइज पार्टी दी थी। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। वो सक्सेना साहब की वो है ना, वो जो तुम बोलती हो टॉप वाली कमाई, हा? तो उसमें ये सब फिजूल खर्ची तो होगी। अरे कमाल करते हैं आप, अपनी वाइफ का बर्थडे वाला डे मनाना ये कोई गलत बात है क्या? अरे बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहा? अरे बताइए ना, बोलते क्यों नहीं आप? अरे भाई तो मुझे बोलने, आप कुछ मत ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा, सब पता है मुझे। ओ भाई ये तो सच में मेरी बोलती बंद करके चली गई, चक्कर क्या है, कुछ तो बताओ। गोपाल तुम देख नहीं रहे कि मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। साधना बेटा क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो? सैड नहीं हूँ मैं, परेशान हूँ। तो मॉम आप परेशान क्यों हो? क्योंकि कल 20 तारीख है। आप इसीलिए परेशान हो? लेकिन मम्मी 20 तारीख तो हर महीने आती है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि आप में से किसी को भी याद नहीं है कि 20 तारीख को मेरा हैप्पी वाला बर्थडे होता है। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हम लोग अभी याद कर रहे थे, पूछो हेमा से, पूछो रवि से, तुम्हारे बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ लेकिन जिन्हें याद रहना चाहिए उन्हें तो कुछ याद नहीं है ना। मैम सब किनको? अरे उन्हीं को जिनको ये तो याद है
कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की जंग कब हुई थी, बाबर हिंदुस्तान कब आया था, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि उनकी वाली वाइफ का हैप्पी वाला बर्थडे है कब। अरे मम्मी मम्मी आप परेशान मत हो, आपको तो पापा का पता ही है ना, वो कितने बिजी रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान नहीं होगा, लेकिन देखना उन्हें पक्का याद आ जाएगा। एक काम करते हैं, हम ही डैड को याद दिलाते कि मॉम का बर्थडे है। नहीं, कोई उन्हें कुछ याद नहीं दिलाएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ उनके लिए अपनी 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 वाली वाइफ का हैप्पी वाला बर्थडे कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट? हाँ वही, सेम टू सेमा, हाउ यू लव मी, मिसिया। साधना, कल बहुत खास दिन है। लगता है ना याद आ गया। हाँ तो टेल कीजिए ना। कल इतिहास के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर कमलकांत हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो जाए मुझे कल आने में, बल्कि हो सकता है कि रात ही हो जाए, क्योंकि कॉलेज के बाद उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन भी करना पड़ेगा मुझे, तो सोचा कि आज ही बता दूं, कल कहीं भूल गया तो। अच्छा सुनो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मिलता हूँ तुमसे बाद में, बाय। देखा देखा आप लोगों ने, कुछ याद नहीं है ने? नॉन याद नथिंग। बेचारी साधना सोच कुछ और रही थी, वो कुछ और गया। कभी कभी तो मुझे भी लगता है गोपाल के साथ शादी करके तो उसकी लाइफ मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन हो गई है। अरे हो गई। एक बात नोटिस की है मैंने, तुम जब भी मेरी गाड़ी में बैठते हो गाड़ी एक झटके में शुरू हो जाती है, धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोपाल धक्का तो तुम्हें लगाना पड़ता है, छोटी छोटी बात समझाने के लिए। तुम तो जैसे बहुत समझदार हो। मैं तुझसे तो ज्यादा ही समझदार हूँ, अगर तुम समझदार होते ना तो तुम समझ जाते कि ज्यादा तुमसे क्या कहना चाह रही थी। साधना क्या कहना चाह रही थी? देखा गोपाल नहीं समझ पाए ना। अरे तो तुम समझा दो ना, तुम तो समझ गए और तुम तो मित्र भी हो मेरे। कभी कभी ना तुम भी कोशिश किया करो, जब देखो तब हर काम मुझसे ही करवाते हो। तुम रहने दो रहने दो, मैं सब जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते। गोपाल जानता तो मैं महाभारत का परिणाम भी था, लेकिन मैंने समय आने पर ही अपने पार्थ को गीता का ज्ञान दिया, और समय आने पर ही मैं गीता का ज्ञान तुम्हें भी दूंगा। और भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय पापा। कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बैठ के गिन रहे थे। क्या गिन रहे थे? पापा हम लोग ये गिन रहे थे कि हमारे खानदान में किस मंथ में किसका बर्थडे आता है, और आपको पता है पापा सबसे ज्यादा बर्थडे इस मंथ में। हाँ। वो 5 तारीख को बबलू भैया का बर्थडे, 8 तारीख को रीना मासी का बर्थडे, और 16 तारीख को कानपुर वाले ताऊजी का बर्थडे, और 23 तारीख को चिंटू चाचा जी जयपुर वाले उनका बर्थडे आता है। रुको रुको रुको, तुम दोनों अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तारीख वगैरह जन्मदिन ये सब भूल जाओ, समझ गए ना? और रविकांत बेटा, मेरा मतलब कि रैव्स, रैव्स बेटा, इस बार तुम्हारे मैथ्स में नंबर बहुत कम आए, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान दो, और ये बर्थडे बर्थडे सब भूल जाओ। मुझे सब पता है, इसका मतलब इन्हें याद आ गया कि मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आने वाला है, और ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, वो भी सरप्राइज। आज इतना जल्दी सो गई, और रो क्यों रही थी ये समझ में नहीं आया। आपके लिए एक
छोटा सा तोहफा। तो और है कौन यहाँ पे जिससे पूछूंगा? Don't angry me, यार, don't angry me। क्या ये? अरे, तुमने gift wrap खोल दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। Answer to be giving। पर तुमने खोला क्यों? अरे तो खोलती रही तो पता किसे चलता कि क्या लेके आए आप? अरे तो मैं कौन सा illegal सामान लेकर आऊंगा घर में? साधना, gift है प्रोफेसर कमलकांत के लिए। मैंने तुम्हें बताया था ना, किताबें हैं इतिहास की। यहाँ अपने प्रेजेंट का पता नहीं है और आपको इतिहास की पड़ी है। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई हूँ और ये भी समझ गई हूँ कि आपको क्या समझ आ गया। अरे पर मुझे भी तो समझाओ ना, जो तुम समझ रही हो और मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं सब समझ गई हूँ लेकिन आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। समझे आप कि नहीं समझे? हाँ समझे आप? हे भगवान। बोलो पार्थ। लो तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गए। नहीं गोपाल, अभी अभी तुमने बुलाया ना। हे भगवान, तुम्हें आ गया। लेकिन यार एक बात बताओ, ये चक्कर क्या है? ये कौन सी बात है जो साधना मुझे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है? गोपाल, समझ समझ को समझ से समझो। समझ समझना ही एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी नजर में वो ना समझे। मेरी तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। नानी 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 नानी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप मम्मी को एक बढ़िया सी साड़ी गिफ्ट करें। नहीं नहीं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा मॉम को एक बढ़िया सी वॉच गिफ्ट करते हैं। हाँ। हम ऐसा करते हैं, साड़ी और वॉच दोनों गिफ्ट करते हैं। हाँ। नहीं माँ, किसी को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे साधना बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, मैंने कसम खा ली है। कसम? मॉम कैसी कसम? कसम ये खाई है कि इस साल मैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे नहीं मनाऊंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप हमारी स्मार्ट मनिया है, ऐसी कसम मत खाइए, चारों तरफ देख के। हाँ नहीं मुरली, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली ना, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। क्या पापा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम मेरे पार्ट को भुगतना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।